नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पे। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन, सरकारी प्रवक्ता ने दी जानकारी। बांडीपुरा के किंसू इलाके में भीषण आग लगने की घटना से घर जलकर हुआ खाक। बीआरओ ने जनवरी में पहली बार जोजिला पास को यातायात के लिए रखा खुला। सुचेतगढ़ में बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर लेवल की हुई बैठक। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मैंडर सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना का एक जवान रहस्यमय परिस्थिति में मृत पाया गया, अधिकारियों ने दी जानकारी। भारत में पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी पहली मौत दर्ज की गई, जबकि 2630 मामले सामने आए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। आखिर पर मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की दी गई जानकारी के अनुसार श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री दर्ज किया गया, जम्मू का 10.3 और लद्दाख का -7.6 दर्ज किया गया। ये थी आज की अहम खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहिए फ्री वॉइस के साथ।